पांच महान जादू और उनकी सच्चाइयां आपके सामने। दोस्तों, वो हमारे दादा दादी के बयान किए जादूगरों के किस्से हों या हैरी पॉटर सीरीज के हैरत अंगेज कारनामे, जादू ने हमेशा हैरत में डाला है। किसी की दीवानगी जब उरूज पे होती है तो लोग कहते हैं कि देखो, उसका जादू तो इसके सर पर चढ़कर बोल रहा है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही सर चढ़कर बोलने वाले पांच जादुओं के बारे में। साथ ही आपको बताएंगे कि इन जादू के तिलिस्मात के पीछे छुपे राज। मगर आपको हमारे इस वीडियो को कमेंट और लाइक से नवाजना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि यही हमारे जादू के खेल की असल कीमत होगी। पानी पे चलते रहने का जादू। आपने हातिम ताई की कहानियों से लेकर आज तक जादूगरों को पानी पे चलते हुए देखा होगा। जादूगरों को पानी पे चलते देखकर आप हैरान हो जाते हैं कि यार ये कौन सा करिश्मा है, आखिर ये जादूगर किस जादुई शक्ति के बल पर ऐसा कर पाते हैं? क्या इन्हें पानी पर चलने का वरदान मिला हुआ है या इनके जूते जादुई हैं? दोस्तों, हम आपको पानी पे चलने वाली इस महानता के बारे में बताते हैं जिसे जानकर आपके मुंह से औह तेरी की निकल जाएगी। दोस्तों, पानी पे चलना किसी शक्ति की देन नहीं है और ना ही किसी उस्ताद का आशीर्वाद। आपने गौर किया होगा कि जादूगर पानी पे चलने का कारनामा किसी उजली नदी या साफ नदी पे न करके उसके लिए गंदले पानी को चुनते हैं, या फिर अपने ट्रिक से मेल खाते पानी पे वो ये कारनामा करते हैं। आपको बता दें कि ये नायाब ट्रिक है। दरअसल वो पानी पे चलते नहीं है, बल्कि वो पानी के थोड़ा नीचे छिपे प्लास्टिक के एक प्लेटफॉर्म पर चलते हैं और इतने जबरदस्त अभिनय की बदौलत आपसे तारीफें बटोर लेते हैं। है ना मजेदार ट्रिक? हवा में समाधि। अब हम हवा में आसन लगाकर समाधिस्थ होने का फंडा आपको समझाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग या साधु हवा में समाधि लगाए हुए बैठे रहते हैं, या फिर कोई जादूगर हवा में स्टिंग पोजीशन में बैठकर बताता है कि वो हवा में बिना सपोर्ट के बैठ सकता है, तो आप यकीन ना करें, ये भी एक मस्त मैजिक ट्रिक है। हमें दिखता तो यही है कि हवा में पालथी मारे हुए बैठे हैं, सच्चाई तो ये है कि एक स्टील के फ्रेम पर बैठे होते हैं जो इनके जरूरत से ज्यादा सरीखे कपड़ों में छुपा होता है। ये स्टील फ्रेम उनके हाथ में थमी छड़ी से कनेक्ट होता है। निकल गई ना और तेरी की? आप नहीं कर पाओगे जनाब, इसके लिए विशेष प्रशिक्षण और बेहतरीन उस्ताद की निगरानी बहुत जरूरी है। दीवार के आर पार। लो, आप फिर उचक गए। हाँ, ये सच है कि किसी ठोस दीवार में घुसकर दूसरी तरफ निकल जाना एक बहुत बड़ा जादू है और ये लगभग असंभव है, मगर मैजिशियन इसे संभव कर दिखाता है। कैसे, आइए देखते हैं। दीवार में घुसने का करिश्मा दिखाने वाला व्यक्ति दर्शक दीर्घा से किसी को बुलवाता है तो उसे दीवार पर परखने को कहता है। असली होने का इत्मीनान होने पर जादूगर दीवार के एक तरफ से अंदर जाता है। हमें उसके परछाई अंदर जाते हुए दिखती है और फिर वो दूसरी तरफ से बिंदास निकल भी जाता है। है ना गजब? चलिए इस जादू को भी आपके सामने खोल देते हैं। जब जादूगर को उसका सहायक उसे एक फ्रेम में कवर कर देता है तो जादूगर इस फ्रेम की बदौलत दूसरी तरफ निकल जाता है और छिप जाता है। इसी फ्रेम की मदद से वो दीवार के दूसरी तरफ पहुंचा दिया जाता है और उसके हाव भाव ऐसे होते हैं जैसे उसने सचमुच दीवार घुसकर पार की हो। क्यों, घूम गया ना दिमाग चक्कर गिनने की तरह? तो यार, लाइक और कमेंट हजारों के पार पहुंचाओ ना, यही तो हमारा बूस्ट है। मोबाइल दो टुकड़े। कितना बुरा लगेगा कि अगर कोई आपका मोबाइल मरोड़ के रख दे, आपके मुंह से उफ ही निकल जाएगी। जादूगर डायनमो आपके मोबाइल के साथ ऐसा ही करते हैं। संसार के महान जादूगरों में से एक जादूगर डायनमो आपके हाथ से मोबाइल लेकर उसे बड़ी बेदर्दी से मरोड़ देते हैं और फिर सही सलामत वापस भी कर देते हैं। आपको बता दें कि डायनमो अपने जादू के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। ये आपके मोबाइल को दोनों हाथों से पकड़ के बीच में से ऐसे मरोड़ देते हैं कि मोबाइल के अंजर पंजर दिखने लगते हैं। चौंकाने के लिए इतना ही काफी है। इस कारनामे को करने के लिए डायनमो को कुछ खास नहीं करना पड़ता, मगर कमाल की बात तो यह है कि उनके हाथ की सफाई। दरअसल वो हाथ में पकड़े मोबाइल को मरोड़ते वक्त बड़ी तेजी और सफाई से एक स्टिकर चिपका देते हैं जो मोबाइल के आधे हिस्से की तरह होता है। मतलब आपका मोबाइल दो टुकड़े हो गया। है ना मजेदार ट्रिक? फिर उसी सफाई से स्टिकर निकाल के आपको आपका मोबाइल सही सलामत दे दिया जाता है।
दिस इज द मैजिक। सिक्कों में बदल गई कॉफी। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि कॉफी अगर सिक्कों में बदल जाए तो आप हैरान हुए बगैर नहीं रह सकते। ये ट्रिक थोड़ी जटिल सी है, इसमें बेहतरीन हाथ की सफाई चाहिए। इस जादू को अमल में लाने के लिए आपको दो कप लेने होंगे, एक छोटा और एक बड़ा। अब छोटे कप में आप सिक्के भर दीजिए और बड़े कप में एक स्पंज रख के नीचे एक छेद कर दें। अब छोटे कप को बड़े कप में डालकर उसमें कॉफी भर दीजिए। अब आप चाहो तो कुछ मंत्र भी बुदबुदा सकते हो, मतलब अभिनय। अब आपको अपनी उंगली के सहारे से नीचे वाले स्पंज को ऊपर करना है, जिससे छोटा कप ऊपर आ जाएगा और कॉफी नीचे निकल जाएगी, जहां ये स्पंज इसे सोख लेगा और सिक्के से भरा कप दिखने लगेगा। देखा किस खूबसूरती से अपन लोगों को बहकाया जाता है। आप भी एक दक्ष जादूगर बन सकते हैं, कोशिश कीजिए और बन जाइए महान जादूगर। चलिए अब अपने घर जाइए, खेल खत्म, पैसा हजम। मगर जाने से पहले कमेंट लाइक करना ना भूलें, हजारों में। जय हिंद, वंदे मातरम।